अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको CSS में ओवरफ्लो के बारे में करवाने वाला हूँ कि अगर कोई हम बॉक्स बनाते हैं तो उसमें अगर हम टेक्स्ट टाइप करें तो ओवरफ्लो, अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, अगर आप हिडन करना चाहते हैं तो आप हिडन कर सकते हैं, और अगर आप उसको विजिबल करना चाहते हैं तो विजिबल आप कर लें। तो आज की इस वीडियो में आपको ओवरफ्लो के बारे में करवाने वाला हूँ कि CSS में ओवरफ्लो का क्या काम है। ठीक है, इसके लिए मैं ओपन करता हूँ सब लाइन। सब लाइन मैंने ओपन किया, फाइल को कंट्रोल एस सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप फाइल को सेव कर लें। ओवरफ्लो डॉट एच टी एम एल से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओवरफ्लो डॉट एच टी एम एल, मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब नीचे हमने क्या लिखना है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर इसका लिखना है, एच टी एम एल ओवरफ्लो इन CSS में आपको करवाना है, ओवरफ्लो इन CSS। ठीक है, ओवरफ्लो का हमारे पास क्या काम है, इसमें मैं इसमें एक डिव में बॉक्स बनाऊंगा, क्लास में इसको बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, अब हमने इसको क्या डिज़ाइन करना है, CSS में डिज़ाइन करना है। CSS हमने इसमें कौन सी यूज़ करनी है, इंटरनल CSS हम यूज़ करेंगे, स्टाइल के टैग ओपन और क्लोज ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें एक बॉक्स बनाना है, इसको हमने क्या दिया क्लास, क्लास को आप लिखते हैं डॉट के साथ, डॉट बॉक्स में इसमें सेलेक्टर लिखूंगा, नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के दरमियान मैं इसकी हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ। हाइट में इसको 300 पिक्सल की और विड्थ इसको 300 पिक्सल आप दे दें। ठीक है, नीचे बैकग्राउंड इसको कौन सा देना है, बैकग्राउंड आप अपनी मर्जी का इसमें दे दें। मैं इसमें एक हमारे पास होता है कोरल, मैं इसमें एक बैकग्राउंड इसका जो है कोरल मैं वो इसमें दे दूंगा, CORAL इसका ये स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, CORAL मैंने इसको कोरल एक कलर दे दिया। सेव करके फाइल को आप रिफ्रेश, आप इधर फाइल को ओपन कर लेंगे, हमारे पास ओवरफ्लो के नाम से फाइल आ गई। डबल क्लिक करके इसको ओपन करें, ये हमने जो इसमें बॉक्स बनाया ये हमारा इसमें बॉक्स शो हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, एक टेक्स्ट टाइप करना है इसके दरमियान। मैं इसमें एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, इसके अंदर आप पैराग्राफ एक लिख लें, पी का टैग इसमें ओपन और क्लोज इसमें करूँगा। ठीक है, इसमें आप कोई भी पैराग्राफ इसमें टाइप कर दें, पैराग्राफ में इसमें कोई भी लिख देता हूँ, दिस इज़ ए सिंपल मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ ए सिंपल पैराग्राफ। दिस इज़ ए सिंपल पैराग्राफ। ठीक है, आप इसी को ज़्यादा आगे कॉपी पेस्ट कर लें टेक्स्ट बनाने के लिए, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लें, कंट्रोल वी पेस्ट इससे करते जाएं तो ये हमारे पास में सेव, इधर आके आप रिफ्रेश करें तो ये इसमें हमारे पास ये टेक्स्ट हो गया। आप इसकी हाइट एंड विड्थ मैं इसमें कम कर देता हूँ, बॉक्स की 200 इधर से भी कर लें और विड्थ भी और हाइट भी, सेव करके इधर आके अब रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास में देखें शो हो रहा है इसमें टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें इसको ओवरफ्लो जो बाहर आ रहा है, अगर हम इसको इधर लिखेंगे ओवरफ्लो, ओवरफ्लो अगर हम इसको विजिबल करेंगे तो ये हमारे पास में विजिबल आ रहा होगा। इसमें मैं ओवरफ्लो विजिबल ये हमारे पास विजिबल, सेव करके इधर आके आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये विजिबल है। ठीक है, अगर इधर आप इसको हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन है, सेव करके इधर आके अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ओवरफ्लो इसमें हिडन हो जाएगा, मतलब जो नीचे ओवरफ्लो उसमें बॉक्स से बाय टेक्स्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में ओवरफ्लो हिडन है। अब इसी तरह आप ओवरफ्लो इसमें विजिबल है, हिडन है, इस तरह और भी इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मैं इसमें आपको बताता हूँ। विजिबल के अलावा हम इसमें
स्क्रोल भी कर सकते हैं। स्क्रोल अगर आप इसमें करेंगे, एक होता है हमारे पास ऑटो, ये हमारे पास ऑटो होता है, इसको सेव करके अगर आप इधर रिफ़्रेश करें तो ये हमारे पास में ऑटो में ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मतलब नीचे स्क्रोल कर सकते हैं। ये ओवरफ्लो इसमें मैंने कौन सा किया, ऑटो किया है। ठीक है, ऑटो की जगह आप इसको वैसे वही इसकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रोल है एक हमारे पास, स्क्रोल में इधर लिख देता हूँ, स्क्रोल का भी यही काम होता है। ठीक है, कंट्रोल सेव करके इधर आके अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास में स्क्रोल आ जाएगा। अब इसका जो ऑटो में आया था उसमें सिर्फ राइट साइड पे हमारे पास स्क्रोल बार आई थी। ठीक है, जो जो मैंने ऑटो किया था, ठीक है, और जो मैंने अब इसमें स्क्रोल खुद लिखा है तो उसमें राइट पर भी आ गई है और बॉटम पर भी आ गई स्क्रोल बार। ठीक है, मतलब आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं अगर।